नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है लोकसभा के सदस्यों का मंत्री बनना। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान सुनिएगा, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो लगातार अनअकैडमी एप्लीकेशन पर चल रही हैं। तो ऐसे में वहां पर आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, पेड क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, और दोनों तरीके की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप कूपन कोड लगाइएगा और कूपन कोड लगेगा सिविल इंडिपीडिया। जब आप सिविल इंडिपीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है और फ्री क्लासेस भी आपकी एक्सेस हो जाती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर मेरी रोज दो क्लास चल रही है निशुल्क एकदम। एक सुबह 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है और एक शाम को 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास है। तो आइएगा, ठीक है भाई, क्लास में मुलाकात करेंगे अनअकैडमी पर। चलिए भाई, तो अब जो है हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं और टॉपिक है लोकसभा के सदस्यों का मंत्री बनना। तो सवाल ये है, क्या लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं? तो भाई साहब, इस मुद्दे को जानने से पहले एक मुद्दा समझिएगा कि भारत में केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था पाई जाती है वो व्यवस्था कौन सी है। वो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का लक्षण क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का खास लक्षण होता है दोहरी सदस्यता। तो भाई दोहरी सदस्यता किसके लिए जरूरी है? दोहरी सदस्यता मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए जरूरी है, यानी कि वो लोग जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो उन्हें अनिवार्य तौर पर विधायिका का मेंबर होना होता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसदीय व्यवस्था का आधार क्या है? संसदीय व्यवस्था का आधार है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसका, किसके प्रति? उत्तरदायित्व है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति। यहां पर कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस उत्तरदायित्व को सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य किया गया है कि उन्हें यहां पर विधायिका का मेंबर बनना पड़ेगा। तो आर्टिकल देखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 है और इसका आपको 5वां हिस्सा देखना है। देखिएगा क्या कहा गया है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो क्या कहा गया है, मंत्री साहब के लिए जरूरी है कि या तो उन्हें लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या तो लोकसभा का या तो जो है राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कहा गया ना, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, यानी कि संसद के तो 2 सदन है, एक सदन है आपका लोकसभा और दूसरा सदन है आपका राज्यसभा। तो मंत्री जी कहां से हो सकते हैं? मंत्री जी या तो लोकसभा से हो सकते हैं या मंत्री जी राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो यहां पर मंत्री पद के लिए क्या जरूरी है? मंत्री पद के लिए ये जरूरी है कि या तो आपको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर आपको राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब भाई साहब है क्या, मान लीजिए या तो आप लोकसभा के मेंबर भी नहीं है या फिर राज्यसभा के मेंबर भी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता को हासिल करना पड़ जाएगा। जैसे कि लिखा गया है ना, कोई मंत्री जो 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो यहां पर शुरुआत में कोशिश यही होती है कि यहाँ पर मंत्री कौन बनाया जाए, लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर बनाया जाए। लेकिन मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो क्या वो लगातार मंत्री पद धारण करता रहेगा? नहीं भाई साहब, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होता है तो ऐसे में उसका मंत्री पद चला जाएगा। अब यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति होती कैसे है, तो देखिएगा आर्टिकल 75 का पहला हिस्सा क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। और वहीं अगर अन्य मंत्रियों की बात करें तो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के पास
इस बात का अधिकार है कि वो क्या चाहे, अगर वो जिसको चाहे वो मंत्री पद के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसको चाहे मंत्री पद के लिए बोल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री की इच्छा से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। बस नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शर्त ये है कि उन मंत्री जी को या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर बन जाना चाहिए। तो क्या अब हमारे सवाल का जवाब मिला, क्या लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, और हर मंत्री के लिए जरूरी है कि उसे या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और नहीं है तो 6 माह के अंदर बन जाना चाहिए। तो आगे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। चलिए भाई, तो अब जो है हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो भाई साहब अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बात सुनिएगा कि हमारी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, बेटा मेरी 2 क्लासेस डेली फ्री हो रही हैं, एक सुबह 9 बजे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, शाम को 9 बजे इंडियन पॉलिटी की। तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्लासेस भी हैं। तो फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों को एक्सेस करने के लिए कूपन कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कूपन कोड लगाइएगा सिविल हिंदी पीडिया, CIVILHINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदी पीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो फ्री क्लासेस तो एक्सेस कर ही पाएंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको पेड क्लासेस भी मिलेगा। तो भाई अनअकैडमी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कीजिएगा और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।